लोगों को नई सरकार चुननी है। मैं और हमारे सभी साथी आपके बीच में आज उपस्थित हुए हैं। सुबह से अजमेर जिले में तमाम सभाएं हम लोगों ने करी और अजमेर शहर में आप सबसे निवेदन करने के लिए आज हाजिर हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने, हम सब ने मिलकर एक पढ़े लिखे साफ छवि के नौजवान को आपके बीच में उम्मीदवार बनाया है। मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूँ, ये चुनाव रीजू झुंझुनवाला दिल्ली जाके सांसद बन जाए सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। ये चुनाव सिर्फ कांग्रेस पार्टी की सरकार दिल्ली में बन जाए इसका चुनाव नहीं है। ये चुनाव निर्णायक है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि 5 साल में इस देश में जो हालात निर्मित हुए हैं, जिस प्रकार का शासन हमने देखा है, सरकारें पहले भी आई हैं चली गई हैं, गैर कांग्रेसी सरकार पहले भी थी, शायद भविष्य में भी आ सकती है, लेकिन जो वातावरण बनाया है 5 साल में बीजेपी की सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने, उसके बारे में उल्लेख करना चाहता हूं, क्योंकि अक्सर अखबार टेलीविजन में वो सच्चाइयां हमें देखने को नहीं मिलती है। आज हमारा विरोध किस बात का है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज हम वोट मांग रहे थे कि हमारे साथी हैं रिजू को आप जिताकर भेजो, हम सब यही चाहते हैं, लेकिन हमारा विरोध किस बात का है? हमारा कोई व्यक्तिगत झगड़ा किसी से नहीं है, हमारी दुश्मनी किसी बीजेपी के नेता से नहीं है, उनकी अपनी विचारधारा है, हमारी अपनी विचारधारा है, लेकिन 5 सालों में लोकतांत्रिक संस्थाओं को चुन चुनकर जो निशाना बनाया गया है, देश में एक नफरत का माहौल जो पैदा हुआ है, एक घृणा का माहौल पैदा हुआ है, टकराव की स्थिति पैदा हुई है, गाय के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है, आज हिंसक भीड़ पूरे देश में बेकाबू घूम रही है, कोई रोकने वाला नहीं है। बीजेपी के विरोध में कोई कुछ बोल दे उसके घर पे छापे पड़ेंगे, सीबीआई की रेड पड़ेगी, नोटिस मिलेगा, इनकम टैक्स की छापे पड़ेंगे। भाजपा का विरोध करना देश का विरोध करना हो गया है। अमित शाह जी से, मोदी जी से पूछो कि बेरोजगारी क्यों है तो आप राष्ट्र विरोधी हो, आप पूछो किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं कहते आप देशद्रोही हो, आप बोले नोटबंदी से पूरे देश प्रदेश की कमर टूट गई है तो बोलते हैं पाकिस्तान चले जाओ। ये मैंने पहली बार देखा, विरोधियों को खत्म कर दो, कुचल दो, आवाज को दबा दो, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, वो बीजेपी के थे, उनका विरोध हम करते थे, सैद्धांतिक विरोध होता था, वैचारिक विरोध होता था उनकी नीतियों का, उनकी राजनीति का, लेकिन ये आक्रामक राजनीति, ये जोर जबरदस्ती की राजनीति, हमारे सभ्य समाज में इस प्रकार की राजनीति की जगह नहीं है। आप विरोध करो, अपनी बात बोलने का अधिकार इस देश के प्रत्येक नागरिक को है। हमारे संविधान में जो वरदान हमारे बुजुर्गों ने दिया है उससे बड़ा वरदान कोई नहीं है। इस दुनिया में 150 देश है, 200 मुल्क के अंदर जो लोकतंत्र यहां पलता है, गांव भाली के सरपंच के चुनाव के लिए क्या चुनाव होते हैं, कई कई हफ्तों तक लोग आपस में भाषण देते हैं, मीटिंग करते हैं, जब तक ही लोकतंत्र पहुंच चुका है, लेकिन खुले वातावरण में अपनी बात बोल सके वो माहौल लगातार नष्ट होता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी आज चुनाव लड़ रही है तो मेरा आग्रह है कि इनकी सरकार से आप 5 साल की रिपोर्ट का जनता को दिखाओ, आपने कितनी महंगाई कम करी है, आपने कितने रोजगार पैदा करे हैं, आपने कितने उद्योग लगवाए हैं, मेड इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ इंडिया, नदियों को जोड़ देंगे, महंगाई खत्म कर देंगे, आतंकवाद समाप्त कर देंगे, ये सारे भाषण देकर वोट लिए थे 5 साल में। मैं पूछना चाहता हूं मोदी साहब से, आप बहुत लंबे लंबे भाषण देते हो, हर चीज कांग्रेस की गलती है, आज गैस का सिलेंडर 1000 रुपए है तो कहते मनमोहन सिंह की गलती है। अरे आपने 5 साल में क्या किया? पेट्रोल डीजल 70-75-80 रुपए लीटर है, पिछले 45 साल में इतनी बेरोजगारी नहीं जितनी आज है, आज क्राई क्राई हो रही है, लेकिन ये चर्चा से भागना चाहते हैं। नोटबंदी करने के बाद इस देश में कहा था कि आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में भाजपा के विधायक को जान से मार डाला, आज हमारी सड़क पर जो सैनिक खड़े हैं उनकी वीरता, उनका शौर्य हमारे लिए फख्र की बात है। हम सब देशवासी अलग अलग मजहब से हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, अगड़े हैं, पिछड़े हैं, हिंदू मुसलमान हैं, हम सब एक ही वोट के मालिक हैं, और ये बात सोचनी पड़ेगी आप लोगों को। इस चुनाव में निर्णय करना पड़ेगा कौन सी पार्टी देश में एकजुटता चाहती है, सिर्फ भाषण देने से, जुमले देने से,
लोगों को दबा के लोगों की विचारधारा को बदलने की जो कोशिश करता है वो लंबे समय कामयाब नहीं होती। हम सब ने मिलकर रीजू झुंझुनवाला को यहाँ से टिकट दिया है। टिकट मांगने वाले बहुत लोग थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी में निर्णय जब ले लिया जाता है तो आपको तुलना करनी है। मैं भाजपा के हमारे जो पूर्व विधायक है किशनगढ़ के, मैं उनके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। आप भागीरथ जी को देख लीजिए और रिजू जी को देख लीजिए, कौन सा व्यक्ति समर्पण भाव से सेवा करना चाहता है, कौन है उद्योग लगाकर नौकरी देना चाहता है, कौन छत्तीसगढ़ को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहता है। भाजपा या तो धर्म की राजनीति या जात की राजनीति। अरे इतना बड़ा शहर है अजमेर के लोगों ने जो मुझ पर आशीर्वाद रखा है, आज मैं इतनी बुलंद आवाज में बोल रहा हूँ क्योंकि आप सबका आशीर्वाद था। आज देश भर में जहां जहां हम जाते हैं मैं फख्र से बोलता हूँ कि मैं अजमेर का सांसद रहा हूँ और इस अजमेर की जनता ने जितना प्रेम सानिध्य ताकत मुझे दी है मैं सचमुच कहता हूँ आज प्रदेश की सरकार हमारी है, आपके आशीर्वाद से बनी है। हम शहर में जीत नहीं सके लेकिन लोकसभा का चुनाव आ रहा है, एक लायक उम्मीदवार दिया है। हमारे अपने शहर के मतदाताओं से निवेदन करता हूँ हाथ के निशान पर बटन दबाकर रीजू झुंझुनवाला को जिता दीजिए। ये दिल्ली में जाकर अपने वकालत करेंगे, कोई झूठे वादे नहीं है, आपके बीच रहकर काम करेंगे। ये सरकार आपकी है। हम अजमेर शहर के चुनाव विधानसभा का नहीं जीत सके लेकिन अजमेर के शहरवासियों को बोलना चाहता हूँ, आप सब हमारी इमानत हो। अजमेर के विकास के लिए कभी कोई कमी नहीं आएगी सरकार में, जितना काम आपका होगा उतना काम आपका कराएंगे। लेकिन दोस्तों मैं रीजू झुंझुनवाला जी को दो हफ्ते से देख रहा हूँ, अजमेर शायद दूसरी बार में आया। जब मैंने पहली बार भाषण सुना मैं बीना जी को बता रहा था, राजनीति को आसान काम नहीं, चुनाव लड़ना कोई बहुत टेढ़ी खीर है और इतने सारे लोगों के बीच में एक संपन्न परिवार से आने के बावजूद जिस आदर सम्मान सभ्यता से लोगों के साथ व्यवहार रखा है, गांव गरीब को गरीब मानकर पूछा है, एक एक व्यक्ति को सम्मान से ही काम दिया है। मैं जानता चुनाव के समय कार्यकर्ता झंडा घोड़ा गाड़ी बैनर पोस्टर सामग्री सब लोग बहुत परेशान रखते हैं कैंडिडेट को, और मैं तो आपके बीच में वोट कई बार मांग चुका हूँ। मैं तो अपने लिए मांगी, रघु शर्मा जी के लिए मांगी, आज रिजू के लिए मांग रहा हूँ और हर बार आपने हमेशा आशीर्वाद दिया है। लेकिन इतने तनाव में भी इस नौजवान ने बहुत धैर्य के साथ सबको मान सम्मान देकर पूरे गांव पंचायत ढाणी में जाकर वार्ड में जाकर काम किया है। उस अजमेर शहर को विकसित देखना चाहते हो तो कड़ी से कड़ी जुड़ाकर रखो, रिजू जी आपके बीच में काम करेंगे। इस बात की जमानत रघु शर्मा जी ने ली है और मैं भी लेकर जा रहा हूँ। ये आपके बीच जीतने के बाद काम करेंगे, जो कमी आएगी हम पीछे खड़े होंगे, कभी आप लोगों को मुड़के देखना नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरी आप लोगों से निवेदन है, ये जो अजमेर शहर है इसका किला भेदने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप लोगों ने बाय इलेक्शन हुआ था, दोनों विधानसभा से हम जीते थे, अब ये धारी जी मुस्करा रहे हैं, ये सब तकदीर का काम है। और यहाँ पे एक बार हारने पर जीत होती है, तो इस बार ऊपर जीत का है, पर बाय इलेक्शन में जीते थे, विधानसभा में हार गए, अभी लोकसभा में जीतने वाले हैं। अजमेर शहर में जीतेंगे, ये शहर, इस शहर के लोगों से कहना चाहता हूँ, आज बात व्यक्तियों की नहीं है, आज बात भविष्य की है, नौजवानों की है, अवसर की है, रोजगार की है, आपकी उन्नति की है। सबको साथ लेकर चलेंगे, इस शहर के लोगों का आशीर्वाद इस नौजवान को दो, मेरे हाथों को मजबूत करो, राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करो। और आप सबको बताना चाहता हूँ कि 25 तारीख को 12 बजे बादलवाला में राहुल गांधी जी की विशाल आम सभा होगी, रीजू झुंझुनवाला जी के लिए वोट मांगने राहुल गांधी जी खुद आ रहे हैं। 25 तारीख को बादलवाला में 12 बजे आप सब वहां पर पहुंचना, राहुल जी के संदेश को सुनना। लेकिन आज मैंने रीजू को बोला, मैं कहा मैं पूरे प्रदेश में प्रचार कर आया हूँ, मैं आसाम गया, बंगाल गया, महाराष्ट्र गया, हर जगह बीजेपी का टायर पंचर है, बीजेपी का दक्षिण भारत में खाता खुलने वाला नहीं है। अभी वो भाषण कितने बजे थे, सरकार है भाई, दबाव में हमारे सारे अखबार वाले टेलीविजन वाले जोन सा चैनल दबाव, वही मोदी जी मोदी जी मोदी जी, सुबह को दोपहर को शाम को रात को
रात के 2 बजे सुबह के 4 बजे मैंने ऐसा प्रकार के देखा नहीं, लेकिन ये चुनाव रोजी रोटी का चुनाव है, ये चुनाव किसानों के आत्महत्या के भयानक क्रम को रोकने का चुनाव है, ये चुनाव नौजवानों की प्रतिभाओं को प्लेटफॉर्म देने का चुनाव है, ये चुनाव भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का चुनाव है। और हम सब लोग मिलकर प्यार से मोहब्बत से, राहुल गांधी बोलते हैं, हमें नफरत किसी से नहीं, ना वसुंधरा जी से है, ना भगीरथ जी से है, ना मोदी जी से, हम तो अजमेर राजस्थान के विकास के लिए सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। ये तेरा मेरा करना हमारा काम नहीं है, 130 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी है, सबकी पार्टी सबको साथ लेकर चलेंगे। हमारे कुछ साथी खड़े बालकनी में, मैं तुमको भी हाथ जोड़ के बोलता हूँ, आप लोग भी हमें मदद करना, वोट देना, लेकिन हमारा आशीर्वाद लोगों को मिलना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है साथियों, 29 तारीख को इस हाथ के निशान पर कांग्रेस पार्टी को जिताकर, बटन दबाकर भारी बहुमत से नीचे को जिताना, मेरे साथ नारा दे जोरदार, कांग्रेस पार्टी महिला की बोली पीछे बैठी, कांग्रेस पार्टी आपने नारा देगा। मैं अजमेर शहर के बाद जयपुर तक जाने चाहिए आप लोगों की, जोर से बोल रहा इस बार, कांग्रेस पार्टी।